Milik isu berkualitas <laughs> गुड आफ्टरनून एवरीवन वन एंड जय सबको आवाज आ रही है मेरी पीपीटी दिख रही है चलो पीपीटी दिख रही है ना सबको स्क्रीन ओके okay. okay. जो आज का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ ठीक है अस्टिंगजिंग इंडिकमेंट इंडिकमेंट मतलब आरोप लगाना स्ट्रिंगिंग मतलब बहुत कठोर हार्श ठीक है तो एक बहुत कठोर आरोप लगा है द स्कैप बिजोएटिंग स्कैप बिओजेटिंग मतलब का बकरा ओके जिसको हम बोलते हैं ना कि अगर अगर हमको किसी को फंसा नहीं उसने अगर हमने कोई काम आ, कुछ आ, काम कर दिया और हमको उस आ, आरोप को हम पे नहीं लिखना है तो हम किसी और पे थोप देते हैं कभी कभी होता है हमारा फ्रेंड के साथ तो हम बोलते हैं ना बेचारा बली का बकरा बन गया तो मतलब क्या होता है का बकरा ऑफ इनोसेंट ट्राइबल अब एक बहुत कठोर आरोप लगाया गया है ट्राइबल लोगों पे उनको बलि का बकरा बनाया गया है इन फाइट अगेंस्ट द माओइस्ट एज अ सेल्फ डिफेक्टिंग खिलाफ माओइस्ट के खिलाफ फाइट चल रही थी उनकी तो उनको खुद को उनके खिलाफ एक बकरा बनाया उनको इस्तेमाल किया गया है ठीक है तो ये आज हमारा एडिटोरियल है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं इसका बैकग्राउंड क्या सबसे पहले कब हुआ था ये हादसा यह हादसा हुआ था 2017 में आ, अपना ये है छत्तीसगढ़ आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ट्राइबल होते हैं हमारे महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली करके एरिया है वहां पे ट्राइबल लोग और नक्सल लोग पाए जाते हैं तो एक वहां पे 2017 में एक अटैक हुआ था और जहाँ पे 25 जो है वो मारे गए थे तो 121 लोगों को वहाँ के ट्राइबल लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें एक महिला भी शामिल थी तो उनको पांच साल के बाद एक रिलीफ मिला है मतलब उनको बातचीत बड़ा किया है दोष मुक्त किया है कि आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं तो कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बुरकाल हुआ था सुकमा करके एक डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में हम एक बार छत्तीसगढ़ देख लेते ठीक है हाँ ये रहा आपका छत्तीसगढ़ ठीक है और ये रहा आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट ओके तो यहाँ का ये यहाँ का ये हादसा है आपको थोड़ा में नक्शलाइट और आ, हम जो टेररिस्ट बोलते हैं उसका एक थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता ठीक है, है हम जिनको टेररिस्ट बोलते हैं वो लोग हमारे इंडिया के बाहर क्यों मतलब जो बाहर देश से लोग आते जहाँ जहाँ पे हम बोल सकते हैं श्रीलंका पाकिस्तान चाइना या फिर कोई भी बाहर देश से जो हम पे अटैक होता है हम उनको टेररिस्ट बोलते हैं ठीक है और नक्सल नक्सल राइट जो बोल, वो वो लोग होते हैं जो आप, आपके देश में से आप में से ही एक होते हैं जो अगर उनको इंसाफ नहीं मिला या उनके साथ अगर कोई बुरा हुआ है या उनको लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है हमें ये चीज चाहिए तो वो हथियार उठा लेते हैं उनको बोलते हैं नक्सल राइट ठीक है ये रहा दोनों का डिफरेंस नक्सल राइट और टेररिस्ट का बहुत लोगों को थोड़ा डिफरेंस पता नहीं होता अब नक्सलराइट कब फॉर्म हुआ क्यों फॉर्म हुआ कैसे हो ठीक है बेसिकली नक्सलराइट का जो उगम बोलते हैं मतलब जो स्टार्ट हुआ वो 96 नाइनटीन और नाइनटीन के बीच में हुआ है एक्चुअली जो कोलकाता है वहाँ नक्सला हाँ नक्सलराइट करके एक गांव है जो जहाँ पे मूवमेंट हुआ था तो वहाँ बोल बोला जाता है कि नक्सलराइट का मूवमेंट वहां से शुरू होता अब नक्सल क्या है माओइस्ट क्या है अब अब स्टार्टिंग में ही हमने हेडिंग पढ़ा था कि माविस्ट। अब माविस्ट क्या है तो इसके लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है सबको काल मास पता है बहुत सुना होगा आपने काल मास के बारे में काल मास सुना है किसी ने हाँ या नहीं कोई बोलेगा यस सोना लेने सोना ठीक है कार्ल मास जी की बहुत मतलब कार्ल मास की जो तो थेरी है उनके इसमें हमारा भी पॉलिटिकल मतलब हम जो पॉलिटिक्स करते हमारा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारा जो देश इंडिपेंडेंट है ठीक है तो वो बहुत सारे हद तक हम कार्ल मास के थेरी पे चलते हैं ठीक है थीके? तो उनके बारे में जब कार्ल मास आए थे एटीन सेंचुरी में ठीक है एटीन नाइनटीन सेंचुरी में आई थिंक नाइनटीन सेंचुरी में आए थे ठीक है नाइनटीन सेंचुरी में जब आए थे तब वो लिख रहे थे तो उन्होंने कम्युनिज्म का स्थापना की थी ठीक है उनका कहना था कि जो गरीब लोग होते हैं और बुर्जवा जो अमीर लोग होते हैं ठीक है तो इंग्लैंड में जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो आ, इंडस्ट्री में लोग होते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं तो वो जो इंडस्ट्री में काम करते वर्कर का लोग उनका शोषण करते ठीक है तो उन्होंने उनके खिलाफ मतलब उनके खिलाफ ये होनी चाहिए कि हथियार नहीं उठाना चाहिए चाहिए उन्होंने उनके खिलाफ मोर्शा करना चाहिए और गरीबों का एक मूवमेंट होना चाहिए वर्कर ने अपना एक मूवमेंट बरसाना चाहिए अपना पॉलिटिक्स उभा, उभारनी चाहिए और अपना एक नेता रेडी करना चाहिए ऐसा का करना था जो नाइनटीन में रशिया में क्रांति हुई थी तब स्टेलिन ने स्टेलिन ने ये सब लागू किया था ठीक है तो ये कम्युनिज्म था कालमास का कहना था कालमास से ही प्रेरित एक माओ थे चाइना में अपने माओ के बारे में भी सुना होगा एक माओ थे माओ एक्चुअली आपने पता होगा जब इंग्लैंड का इंग्लैंड का राज इंग्लैंड ने जब इंडिया को और चाइना को अपने वर्ष में लिया था हासिल किया था जब डिपेंडेंट कंट्री बना दी थी तब चाइना का इंडिया का बहुत शोषण करते थे ब्रिटेन ठीक है ना कि इनका ही आ, कोरिया था उसमें पाकिस्तान पहले तो ऐसे कोई कंट्रीज होती नहीं थी जो एरिया था तो ब्रिटेन ने वो सब एरिया अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर वो मतलब बहुत शोषण करते थे तो चाइना में भी बहुत शोषण हुआ इंडिया में भी बहुत शोषण हुआ तो एक्चुअली माओइस एक आ, फार्मर थे आ, जिन्होंने देखा कि उनके साथ बहुत शोषण हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारा इतना शोषण हो रहा है अगर हमें इससे बाहर निकाला है तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा ठीक है चाहे वो कोई सा भी हो हथियार चाहे वो फिर बंदूक हो या चाकू हो कुछ भी तो हमें हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा ऐसा माविस का कहना था माओ का कहना था तो माओ ने चाइना में बहुत एक क्रांति लाई थी जहां पे बहुत सारे लोगों ने उनके साथ लड़ाई लड़ी थी तो उसी को ही फॉलो करके ठीक है उसी को ही फॉलो करके इंडिया में कुछ माओस्ट मतलब उनको मान, मान मानने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने वो बोलते हैं कि माओविस्ट को फॉलो करते अब कुछ कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं कोई माओस्ट को फॉलो करते हैं ठीक है कोई कारमा को फॉलो करते तो वहां पे बहुत सारे तो बेसिकली नक्सल उनको कहते हैं ठीक है जिनका कहना होता है कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है हमारे साथ भारत की सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है अगर हमको न्याय चाहिए तो हमें खुद को तलवार उठानी पड़ेगी अपने लिए लड़ना पड़ेगा वो मतलब जैसे काल मार्क्स ने बोला था कि आपको एक नेता उभारना पड़ेगा आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी लेकिन मा, माओ भी काल मार्क्स को ही फॉलो करते थे ठीक है माओ भी ऐसा कुछ अलग नहीं थे माओ भी मार्क्स को फॉलो करते थे लेकिन उनका कहना है कि इसके देखिए मार्क्स ने भी ये कहा था कि आप लड़ाई लड़ोगे तो हथियार तो उठाना पड़ेगा और बहुत सारी जाने भी जाएंगे ठीक है ऐसा तो कोई होता नहीं है कि हम किसी भी चीज को फॉलो कर रहे उसमें जाने जाए बहुत हिस्ट्री में बोला गया है फ्रेंच रिवोल्यूशन हो या कुछ रिवोल्यूशन um, इंडिया, इंडिया के लोग भी चाहते थे कि इंडिया स्वतंत्र हो जाए बहुत बहुत सारे सेनानियों ने अपनी लड़ाई लड़ी और सारा खून बहा हिस्ट्री अगर उठाओगे कोई भी रिवोल्यूशन अगर आएगा रिवोलूशन मतलब कोई क्रांति आएगी तो आप देखोगे की बहुत सारा खून बहा है लोगों का ठीक है इंडिया में भी बहुत सारा खून बहा है ऐसा नहीं हुआ है जब आप कोई भी क्रांति लाओगे तो खून तो बहेगा लेकिन मा... ये मार्क्स का कहना था आपको लड़ना पड़ेगा लेकिन माओ का कहना मा, कह रहा है कि आपको कोई चारा ही नहीं है आपको लड़ना मतलब लड़ना तो है लेकिन किसके साथ लड़ना है आपको बंदूक उठा के साथ लड़ना है ये डिफरेंस ना बहुत बार प्रॉब्लमेटिक होता है कि सभी बोलते कि मार्क्स और माओ की थे सेम है लेकिन बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो डेवलपमेंट स्टडी के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बहुत बार पूछते हैं ठीक है मार्क्स और माओ लोग मिक्स कर देते हैं ठीक है तो का कहना था कि नहीं आपके पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपको तलवार उठानी ही पड़ेगी हथियार उठाना ही पड़ेगा ठीक है ये है डिफरेंस तो लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया इंडिया के लोगों इंडिया के लोग ही नहीं बहुत सारे लोग फॉलो करते जिसे आपको पता होगा कि बहुत मतलब नक्सलों के साथ बहुत सारा मतलब इशू होता है इंडिया का इशू मतलब इंडिया के गवर्नमेंट आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ इशू नहीं होता है उनके साथ इशू होता है बहुत सारी मूवीज दिखाई गई है इसमें आ, अगर आप रिसेंटली जय जैव मूवी दे, देखोगे तो वहां पे भी ट्रैवल का जो चोरी का इल्जाम लगाता है फिर उन लोगों के साथ बहुत बुरा होता है उनको बस बेसिकली एक तो मर जाता है फिर ऊपर से उनके साथ तो मतलब जेल में डाल देते हैं किसी को पता ही नहीं होता और उनके साथ बिहेव भी बहुत गंदे तरीके तरीके से किया जाता है ऐसे मूवी में दिखाया है अगर आप मराठी मूवीज देखोगे जैसे मैंने देखी थी डॉक्टर ये इनके आए थे ना आमटे की मूवी आई थी उस मूवी में भी दिखाया था कि ट्राइबल लोगों के साथ वो तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र में गढ़चिरोली है भामरागढ़ है वहां पे वो बेसिकली काम करते हैं तो वहाँ की स्टोरी बताई थी तभी भी वहां पे दिखाया गया था कि ट्राइबल लोगों के साथ बहुत मतलब बहुत बेकार तरीके से उनको ट्रीट करते हैं और लड़कियों के साथ रेप करना अगर आप पुलिस वाले सभी पुलिस वाले या नक्सलवादियों को नहीं कहूंगी ये कुछ होता है ऐसा मूवीज में देखा है मैं खुद नहीं कह रही हूँ मैंने पढ़ा है और मूवीज में देखा है अगर आप चाहो तो मूवीज देख सकते हो मूवीज में दिखाया हुआ ऐसा नहीं है मैं खुद अपने मन से कह रही हूँ कुछ पुलिस वाले होते हैं सभी ने अगर आ, मैंने एक और मूवी देखी है जहाँ पे बॉबी देवल है टैंगो चार्ली मूवी है उसमें भी दिखाया था कि एक मिलिट्री बहुत मतलब पे पे उनके यहाँ पे भी नक्सलाइट हमला करते हैं तो वो फॉलो करते हैं तो फॉलो करते करते एक पता चलता है कि वो एक लड़की है ठीक है तो वो मिलिट्री वाला उस पर रेप करना चाहता है लेकिन बॉबी देवल आ, रोकता है तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग मतलब बुरे होते हैं पुलिस वाले मिलिट्री वाले लेकिन कुछ होते हैं देखिए जिस मूवी में देखा है एक मिलिट्री वाला फोर्स करता है तो दूसरी मिलिट्री वाला उसको बच जाता है तो ऐसा मतलब नक्सलाइट के साथ होता है इतना सारा प्रॉब्लम तो ये एक इश्यू है जहाँ पे 2017 में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था पच्चीस जवानों को वहा पे उनको हिंट मिली थी कि माओविस्ट लोग है तो आप जाके देखो नक्सलाइट लाइट एरिया है वहाँ पे तो आप देखो तो जवान गए थे एक हादसा हुआ था और उस हादसे में 25 जवान लोग मरे गए थे अगर रिसेंटली जवानों का बहुत सारा यहाँ पे में भी वर्धा में भी बहुत पहले एक हुआ था आ, हमारे घर के मतलब नजदीक है वो, वो पुलिस ऑफिसर मतलब बहुत अच्छे पोजीशन पे थे उनको भी बहुत बुरी तरीके से नक्सलाइट लोगों ने मार दिया था लेकिन ये बात अलग है कि वो कॉमन लोगों को परेशान नहीं करते जैसे भामरागढ़ है मैं भामरागढ़ में खुद गई हूँ वहां पे बहुत सारे नक्सलाइट है मेरा भाई वहाँ पे कजन डॉक्टर है तो हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे होते हैं बाकी लोगों के साथ भी ऐसा नहीं है ठीक है तो ये मतलब आप इसको इसमें इतना मत लो ये मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ कि होता है बुरा ठीक है तो ये बैकग्राउंड है और उन्होंने 121 लोगों को गिरफ्तार किया था अभी रिसेंटली पांच छह दिन पहले न्यूज फैसला आया कोर्ट का कि भाई आ, ये ये लोग आ, मतलब इन, इन इन इनका कोई दोष नहीं है माव से से मिले हुए नहीं है तो प्लीज इन आ, ए, ए, एक सौ इक्कीस लोगों को छोड़ दिया जाए जिसमें एक महिला है अब ये रिजल्ट लाने के लिए गवर्नमेंट को कोर्ट को पाँच साल लग गए ठीक है अब सोचिए साल तक वो चेल में थे अब पांच साल के बाद वो चेल के बाहर आएंगे तो हम हम जिस दुनिया में रहते हैं और जिस सोशल एरिया में रहते हैं अगर आप जेल से आने के बाद आपकी तरफ देखने का लोगों का नजरिया कुछ अलग हो जाता है ठीक है आपके बच्चों को जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती अगर आपने यूपीएससी एमपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो एक जब फॉर्म भरते हो वहाँ पे आता है कि आपके अगेंस्ट कोई चार्ज है क्या मतलब कोई केस बनी हुई है क्या अगर सोचो उन्होंने ये केस वहां पे लीक दी तो क्या वो अप्लीकेबल रहेंगे उनके जो पांच साल ज, मतलब उनके जो पांच साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं क्या वो गवर्नमेंट उनको वापस दे पाएगी इसके बदले में उनको क्या देंगी क्योंकि हमें पता है अगर एक या दो दिन भी हम जेल में रहे या हम हमारे घर में अगर आप सोचोगे ना कि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं जिस सोशल एरिया में रहते अगर हमारे घर में कोई पुलिस वाले भी गए तो मतलब दुनिया एक गलत मतलब आजू बाजू के लोग भी आपकी तरफ एक गलत नजरिए से देखते हैं कि भाई इनके घर पुलिस की क्यों अगर आई होगी तो इन्होंने इनका ही कोई दोष होगा इन इन्होंने कुछ किया होगा इसके बेटे ने कुछ किया होगा अगर उस घर में लड़की हुई तो और भी प्रॉब्लमेटिक अगर फिर उसकी शादी नहीं होगी वो बोलेंगे कि इसका भाई तो जेल में गया था इसके पापा जेल में गए थे लाइक दैट तो सोचिए उन लोगों का क्या होगा कि पांच साल के बाद उन्होंने तो छोड़ दिया कि गवर्नमेंट ने हाँ भाई हमसे गलती हो गई आप चले जाओ लेकिन ये बहुत मतलब हम इस पे सोच सकते हैं कि इन... वो आने के बाद जब आप इनके आ, मैंने आपको पढ़ाना था तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके लिए जब मैं उनकी स्टोरी पढ़ रही वो खुद बोल रहे कि भाई हमको इतने अब हम क्या करेंगे हमको तो बुरी तरीके से लोग बोल रहे जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी इन लोगों ने हमको पकड़ा हमारा सोना नहीं हमको बेल नहीं दी ठीक है आगे पढ़ेंगे कि इनकी बेल क्यों नहीं हुई आगे यहाँ पे है तो उसके बाद क्या क्या कोई उनको काम देगा क्या होगा तो मतलब ये तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं बस उनको उठा लिया और बोल दिया कि आपने ट्वेंटी फाइव जवान हमारे मर गए तो आपकी वजह से मर गए और अभी उनको रिहा कर दिया तो ये मतलब बहुत सोचने की बात है और आ, अगर आपको ट्राइबल लोगों का नक्सलाइट का मूवमेंट देखना है बहुत बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है ठीक है बहुत इन्होंने मूवमेंट किया है अपने लिए बहुत लड़ा लड़े हैं हमारे हम, हमारा जंगल हमारा जमीन ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स है आप पढ़िए कभी भी और एक बात बताओ जिस एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं जैसे ओडिशा में झारखंड में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल लोग तो आपकी जो खनिज संपत्ति है ठीक है सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलती है सिक्सटी टू सेवेंटी खनिज संपत्ति जो है ना वो यहाँ पे होती है क्यों क्योंकि आपको पता होगा कि खनिज संपत्ति जमीन के अंदर होती है या फिर हिली एरिया हिल्स में होती है जो ट्राइबल लोग वो मानते हैं कि वो अपने भगवान गॉड ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपने गणपति कृष्णा जी किसी को गॉड मानते वो उनको गॉड नहीं मानते उनका कहना होता है कि हमारे जो गॉड है हमारे जो भगवान है वो ये झाड़ियाँ है ये जंगल है ये डोंगर है ये सब हमारे भगवान है उनको भगवान मानते हैं ठीक है थीके? तो जो सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति होती है वो वहां उस एरिया में देखी जाती है और फिर इस एरिया के इस एरिया में जो लोग रहते हैं तो मतलब इंडिया को कुछ आ, इंडिया को या किसी भी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे अगर इंडस्ट्री बनानी हो तो वो बहुत बुरी तरीके से उनको वहां से निकालते हैं ठीक है ठीके? और उनका कहना होता है कि जंगल हमारा हमारा माए बाप है हमारा सब कुछ है तो ये हमारी जमीन है हम क्यों यहाँ से निकले तो उसके लिए उनका बहुत सारा आपको स्ट्रगल दिखाई देगा आ, बहुत सारा अगर आप पढ़ोगे डॉक्यूमेंट्रीज आप देखना बहुत मतलब डिफरेंट है ऐसा नहीं है कि होता नहीं है मतलब गवर्नमेंट इनके साथ बहुत बुरा करती है अगर आप देखोगे तो देखना पड़ेगा मतलब आपको देख देखिए ना मतलब उनका ऑब्वियसली अगर आप उनसे कुछ छीन रहे हो तो आपको उनको देना चाहिए तो इनका बहुत स्ट्रगल होता है जल जल जंगल जमीन भी इनका ये है आ, तो आपको ट्राइबल लोगों के बारे में देखना चाहिए पढ़ना चाहिए बहुत मतलब डिफरेंट हिस्ट्री है इसकी अगर आप टिस्ट में जाओगे तो टिस्ट में भी बहुत डिफरेंट है जाने दीजिए आप हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था इसके बारे में मैंने आपको बोला है आप, आप पढ़िए बहुत सारे आपको मूवमेंट्स देखेंगे बहुत सारी मूवीज देखेंगी ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी मराठी बहुत सारी अदर लैंग्वेज में भी आपको मे मिलेंगी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी तो आपको पता चलेगा ठीक है चलो तो पढ़ते हैं नक्सल एम्बुश एम्बुश मतलब घात लगाकर हल्ला करना घात लगाकर मतलब जैसे आपको पता होगा कि नक्सलाइट झाड़ियों में छुपके ऐसे रहते हैं ठीक है तो नक्सलाइट एम्बुश सी आर पी एफ टीम अब ये सीआरपीएफ टीम है ठीक है उनके नियर अ बुरकाल विलेज अब बुरकाल नाम का विलेज है सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जो छत्तीसगढ़ में अप्रैल 24 2017 को इन्होंने 25 जवानों को मार दिया जो 74 था आ, आ, फोर्स थी वो उनको उन्होंने मार दिया ठीक है पच्चीस लोगों को मार दिया और कहा जाता है कि मतलब बहुत बुरी तरीके से मारते हैं लोग पता है मतलब पूरा छन्नी कर देते हैं सीना नक्शलाइट लोग मतलब एक गोली से नहीं मारते हम मैंने जैसे बोला कि वर्धा में एक केस हुई थी मतलब पूरा छन्नी कर देते एक तो नहीं दस बारह गोलियां मार देते बहुत बुरी तरीके से मारते ठीक है तो नक्सलाइट ने घात लगा के 25 जवानों को मार डाला वो 74 फोर बैलेटाइन था ठीक है तो सीआरपीएफ टीम वाज गार्डिंग द एरिया बिटवीन द बकाल एंड जगारगुंडा वेयर अ रोड वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अब ये सीआरपीएफ टीम क्या कर रही थी गार्डिंग कर रही थी मतलब उनको रक, मतलब देख रही थी आजू बाजू में ठीक है गार्ड कर रही थी जो एक रोड बन रहा था वहां पे ठीक है तो ये वही वह, वह, वहां का किस्सा है जो हिस्ट्री वो बताए अभी हम देखते हैं कि एडिटोरियल क्या कहता है

जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए होता है जो 1819 के लोगों के लिए होता है एटीन एक प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट बनाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्योंकि इनके साथ बहुत बुरे हादसे होते थे तो अगर इन आ, अगर किसी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लोगों पे अगर कुछ भी होता है हमला होता है तो इस एक्ट के तहत उनपे ये कर, आ, किया जाएगा चार्ज किया जाएगा ठीक है एंड इसमें डर्ग नार्कोटिक साइकोटिक सब्सटेंस भी आते हैं ये आ, स्पेशल कोर्ट होती है जो सेंट्रल और गवर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होती है अगर आ, इन इन लोगों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इस, आ, इस कोर्ट में वो जाते हैं लोगों ठीक है हमारा स्पेशल कोर्ट भी होता है और इन लोगों के लिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए ये कोर्ट होता है ठीक है

किसे उनको पकड़ा गया था उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया था जो पच्चीस जवान मरे थे उनके इसमें अब ये मतलब ये हादसा हुआ था बुरकापुल बुरकापुल विलेज सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में 2017 में अभी उनको एक रिलीफ मतलब एक आजादी की उनको आ, सास आ गई ठीक है उनको आजाद कर दिया ठीक है द ट्राइबल वे हेल्ड अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ओके ड्राइकोरियन मतलब कठोर कठिन ट्राइबल वेयर अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसको ड्राइकोरियन क्यों बोलते हैं? ये बता देती हूँ ये एक्ट है बेसिकली ये 1967 को बना था आप लिख लीजिए मैं बता देती हूँ ठीक है नहीं तो आप पढ़ सकते हो बेसिकली ये 1967 पे बना गया था ये लॉ क्यों बनाया गया था क्योंकि में जैसे हमारे पे में बहुत सारा वॉर हुआ था ठीक है चाइना पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर चल रहा था तो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते थे ठीक है तो इसकी वजह से आ, इंडिया ने एक लॉ बनाया था अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है मतलब टेररिस्ट अटैक या कोई भी अनलॉफुल मतलब जो लॉ को आ, लॉ को नहीं मानती है या इंडिया के इंटीग्रिटी या स्वा, मतलब एकता अखंडता को अखंडता को अगर कोई हार्म करती है तो इनके खिलाफ ये लॉफुल एक्टिविटीज लगाई थी ठीक है एक्ट बनाया था कि इनके तहत उनको ये होगी सजा होगी और यहाँ पे आ, इस एक्ट में क्या किया था ना कि आ, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मजबूत किया था मतलब बहुत ज्यादा उनको पावर दिया था इस लॉ के अंदर अब इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए आई थिंक 2008 में हुआ अभी रिसेंटली बीजेपी के गवर्नमेंट ने दो को इसमें और अमेंडमेंट किया है ठीक है तो दो के अमेंडमेंट के आ, इसमें यह कहा गया था कि अगर मतलब अगर ये ऐसा कुछ हादसा होता है तो बहुत ज्यादा पावर हम एन के एन को देंगे जो अपने नेशनल एजेंसी पढ़ा है ना उनको बहुत ज्यादा पावर देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा तो इसकी वजह से अगर ये लॉ अगर ये लॉ के तहत आपको अगर कोई सजा होगी तो उसमें ये भी नहीं होती मतलब बेल भी नहीं होती जैसे मैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि बेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो इस अगर ये लॉ के तहत आपको किसी किसी को पकड़ा गया तो इस लॉ में आपको बेल भी नहीं मिलती ठीक है तो आ, उन उन बिचारों को बेल भी नहीं मिली थी वो एक, एक सौ इक्कीस लोगों को और जो कोरेगांव का इशू में जिनको पकड़ा गया था ना जिनका अभी मर गए वो उनको भी इसी एक्ट के तहत पकड़ा गया था और उनको भी बेल नहीं मिलती इसीलिए इसको ड्रैकोनियन बोलते हैं मतलब बहुत कठोर है ठीक है आपको क्लियर है ये जो ठीक है Uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आपको अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो ठीक है तो uh, ट्राइबल वेयर हिल uh, इन ट्राइबल को किसके अंतर्गत किस लॉ के तहत पकड़ा गया था एंड दैट फैक्ट दैट द कोर्ट हिल दैट थ्री वॉज लिटिल इविडेंस दैट द ट्राइबल द प्रोस्क्राइब ठीक uh, है जो ट्राइबल को इस लॉ के तहत पकड़ा गया था लेकिन आ, जो कोर्ट के पास एविडेंस थे जो सबूत थे वो बहुत कम थे बहुत मतलब वाज लिटिल बहुत कम थे कि इन लोगों का भी उस, उस मतलब उन जवानों को मारने के लिए कोई हाथ होगा बहुत कम एविडेंस थे एंड मतलब गवर्नमेंट को लग रहा था कि इन, इनका माव़, माव़ के साथ कुछ रिलेशन है उन, आ, इन ट्राइबल लोगों का उन माओ के साथ कुछ रिलेशन है इसके बहुत कम सबूत थे कोर्ट के पास फिर भी इस आ, उनको पकड़ा गया था ठीक है अब ये बता रहा है तो माओस्ट वि ये 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 अटर मतलब बहुत बहुत ऊंचे तरीके से ये बोल रहा है कि बहुत, आ, ये है कि आपके पास तो बहुत कम सब, आ, मतलब सबूत थे तो ये फेलियर होगा लॉ इनमेंट इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना अगर आप ये लॉ उन पे लागू कर रहे हो तो ये तो इन देयर रिस्पॉन्स टू मैसेकर मैसेकर मतलब हत्या करना ठीक है बहुत लोगों का खून बहाना हत्या करना तो इसलिए आप यहाँ पे ट्वेंटी फाइव लोगों को जान गए तो इसलिए मैसेकर यहाँ पे बोला गया तो इनका कहना है कि सबूत तो बहुत कम थे आपके पास तो ये क्या अच्छी बात है कि इस आ, इस कठोर लॉ के साथ आपने ये आ, लगाया ये इतना कठोर लॉ लो, ट्राइबल लोगों पे लगाया तो ये क्या आ, ये क्या अच्छी बात है जो मैसेकर हुआ है ये क्या अच्छी बात है ये पॉइंट वो बोल रहे है ठीक है

एंड ऑफ डिपेंडेंट अब जो इतने साल से वहां पे बंद थे तो वो देख रहे कि मतलब उनका जो अपसाइड उथल फुथल है उनके लाइफ में और वो मतलब अब उनको पांच साल रखा ठीक है तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ उथल फुतल तो होगी ठीक है उनको पांच साल तक आपने जेल में लगा इतने लंबे समय तक तो अभी उनकी लाइफ क्या होगी उतल फुतल हो गई और वो किसी और के और पे जो उनके उन, आता, अब जिनको पकड़ा गया उनके ऑब्वियसली बच्चे होंगे किसी के बच्चे होंगे किसी के माँ बाप होंगे तो उनकी भी लाइफ जिनकी लाइफ उन पे डिपेंड थी उनकी भी लाइफ उतल फुतल हो गई ठीक है द ट्राइबल हु हैड बीन अरेस्टेड एंड केप्ड इन जेल फॉर फाइव इयर्स है पास बाय द एन आई आई कोर्ट एंड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अब जिन ट्राइबल को गिरफ्तार किया गया था पांच साल के लिए उनको डिनाय मतलब मना किया था बेल के लिए किस किन किन ने बोला था एनआई कोर्ट ने भी कहता नेशनल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने भी मना किया uh, और जो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट थी उन्होंने भी इनके जो uh, बेल के लिए है वो मना किया था जैसे मैंने बोला कि वो ये वाला जो लॉ लगता है इसके तहत आपको बेल भी नहीं मिलती इसलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है ठीक है क्लियरली

क्लियरली ये दिखा रहा है कि आ, इनको मतलब डुबियस मतलब कुछ अः अपने मन में शंका थी कि ये जो केसेस है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रहा है छत्तीसगढ़ में ठीक है मतलब उन, उनको ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये जो हादसा हुआ था तो उनको कुछ छत्तीसगढ़ में था तो ये तो दिखाई था कि इसमें क्लैरिटी नहीं है ठीक है कुछ आ, ये नहीं है क्लैरिटी नहीं है बियॉन्ड द इम्पोजिशन ऑफ द ये लगाने से पहले इम्पोजिशन मतलब ये लगाने से पहले डेक्रोनियन एक्ट विदाउट सफिशियंट फ्रूट है अब ये बहुत क्लियर है कि इनको बहुत प्रॉब्लम थी मतलब ये क्लियर नहीं थे कि ये आ, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था इनमें इन लोगों का हाथ था लेकिन इन्होंने ये भी नहीं सोचा ये आ, उनके पास प्रूफ भी नहीं था क्या बोलते हैं जब आप ये लॉ लगाते हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ठीक है कि आप इस आ, मतलब एक ठोस सबूत होना चाहिए जि, आ, तो जो आप ये लॉ लगा रहे हो उस, उसके लिए आपको ठोस सबूत होने चाहिए कि इन्होंने ही किया है तो जब ये इन्होंने लगाया था उनके पास ठोस सबूत भी नहीं था इन्होंने भी ये लोग भी इस हादसे में शामिल है ठीक है अ डिफेंस लायर ऑल्सो क्लेम दैट अब ये बात किसने बोली डिफेंस लॉयर ने जो वो एक सौ इक्कीस लोगों की तरफ से जो लड़ रहे थे वो लॉ उन्होंने ये बोला और उन्होंने ये भी कहा और कहा आज क्लेम उन्होंने और क्लेम किया दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुअरली मतलब जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया वो बहुत खराब खराब तरीके से किया गया अच्छे से नहीं किया, किया गया जैसे तो 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 मैंने पहले ही बोला था कि ट्राइबल लोगों के साथ बहुत बुर, बुरा तरीके से बुरे तरीके से थे वो पेश आते हैं मतलब बहुत बुरी तरीके से आप अगर मूवीज देख हो ना मतलब बहुत बुरा लगेगा मैंने देखी है आप बहुत आप बहुत तो बहुत बहुत सारी मूवीज आपके में में सारे बच्चे के तो भी मतलब होता है ऐसा। है ऐसा ठीक इंजर्ड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कमांड वॉज पोअरली इंजर्ड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कमांड नॉट बींग मेड विटनेस बिफोर द ट्राइबल पीपल वी आर अरेस्टेड और क्या हुआ था कि जो इंजर्ड जो घायल हुए थे अब 25 लोग मारे गए थे लेकिन कुछ घायल भी हुए थे ठीक है क्योंकि वो 75 फाइव बैटालियन लोग थे ठीक है उसमें थे कुछ लोग तो बचे ना तो जो इंजर्ड लोग हुए थे सीआरपीएफ के लोग को उनको नॉट बीइंग उनसे पूछा भी नहीं नॉट बीइंग अ विटनेस मतलब वो वहां पे थे नहीं उनसे पूछा भी नहीं गया था उनको अरेस्ट करने से पहले ठीक है मतलब अगर आप अगर आपके साथ वो हादसा होता है ठीक है आप अगर चार पांच लोग है या हम देखेंगे एक एक्सीडेंट हो रहा है एकस्ट, एक्सीडेंट में चार पांच लोग थे ऑटो से जा रहे किसी ने पीछे से ठोक दिया ठीक है तो एक लोगों की जान चली गई पांच लोग में से और चार लोग रह गए तो जब पुलिस आती है तब तो उनसे पूछते है की कैसे हुआ आपका ऑटो कहाँ जा रहा था फिर आपकी गलती है क्या ब्रेक मारा गया पीछे से तो ऐसा कुछ पूछते हैं उन लोग लेकिन जब इन लोगों को अरेस्ट किया था गया था तो उन लोगों से पूछा भी नहीं था ठीक है जो लोग थे वहां पे इंजर्ड हुए थे लेंडिंग द्रीडियन टू द फैक्ट दैट एप्रीएड पीपल है तो ये जो ये ये जो विश्वास किया था ये uh, मतलब जो लोगों को गिरफ्तार किया गिरफ्तार किया गया किस तहत पे गिरफ्तार किया वो जो बलि है ना उस तरीके से मतलब आप मतलब आप आप ट्राइबल हो यहाँ के रहने वाले लोग हो आप इस गांव में रहते हो तो आप नक्शलाइट को सपोर्ट करते होंगे तो इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते ठीक है मतलब वो बली का बकरा बन गए आप अगर कभी अः मतलब अगर किसी गांव में जाओगे ना आप मतलब जैसे मैं भामरागढ़ में गई थी तो बताती हूँ वहां पे पता है बहुत ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है मतलब जहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत सारे रोड वगैरह देखते हैं ना वहां पे ऐसे आपको रोड नहीं दिखेंगे मतलब बहुत सुंदर एरिया होता है आप तो बहुत सारे लोग ओडिसा से होंगे बहुत मतलब जंगल एरिया होता है जहाँ पे भामरागढ़ में तीन नदियों का संगम है लेकिन इतना मतलब डेवलप नहीं है यहाँ पे मतलब अच्छे से उसको कंपाउंड किया हुआ नहीं है वो दिखते हैं तो इस वो लोग करने ही नहीं देते क्योंकि उनका कहना होता है कि ये हमारा भगवान है तो ऑब्वियसली अगर आप सोचोगे अगर गणपति जी का शिवजी का अगर कोई मंदिर अगर तोड़ेगा तो आप बोलोगे ना कि नहीं भाई हम कैसे आप तो लोग तो बीच में आ जाते मतलब कितना सारा मोर्च होता है ये होता है कि हमारा भगवान है हम कैसे इसको उठाएंगे सभी लोग मतलब बाकी के लोग भी यहाँ से अगर वहा अगर किसी गांव में अगर ये हादसा वर्धा में हो रहा है तो नागपुर के भी लोग बोलेंगे वहां से प्रोटेस्ट करेंगे नहीं नहीं वो मंदिर है तो सोचिए अगर आप किसी भगवान उनको मान रहे और उनको वहां से हटा रहे और तोड़फोड़ कर रहे Obviously, लोग तो चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे। अगर आप आप अगर आपको अपने आपके घर से उठाया जाएगा बोलेंगे सरकार की हमारी जगह आप हट जाओ अब ऐसे थोड़ी ना जाओगे तो ऐसा बहुत होता है उन लोगों के साथ अ टेक अवे फ्रॉम द आउटकम ऑफ दिस केस अगर इस केस से हम कुछ लेंगे द स्टेट मस्ट पॉन्डर एज टू वेदर जो स्टेट बता रहा है जो कह रहा है वेदर दि स्ट्रेटर्जी ऑफ राउंडिंग अप सस्पेक्ट अमंग Hey place, मतलब? hey place, मतलब, uh, जो बहुत uh, मतलब क्या बोलते हैं uh, hey है, तो इस केस से अगर हमें कुछ मिल रहा है और स्टेट जो कह रहा है एस द दिस दिस्ट्रेटी ऑफ रॉन्डिंग अमंग प्लेस ट्रैवल इन द नेम ऑफ स्विफ्ट एक्शन फॉलोइंग स्टेट बैक डनी गुड टू लॉ द इनफोर्समेंट स्टेट ने ये कहा है कि इस इस केस को राउंडिंग अप मतलब जल्दी जल्दी निपटाने के लिए जो दर, दुर्देवी लोग थे जो अनफॉर्चुनेट लोग थे ट्राइबल थे उनको अ, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और एक मिलिट्री ने एक सेटबैक दिखा है कि देखो हमने अ, कितने अच्छे तरीके से इस केस को हैंडल किया और उनपे लॉ लगा दिया मतलब देखो अगर कोई केस होती है जैसे हम निर्भया केस लेंगे ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर लेती ले रही हूँ मैं निर्भया की केस थी वो जो रेप केस थी वो बहुत मतलब बहुत फेमस हुई थी इसलिए मैं उनकी केस से ले रही हूँ तो उस केस में क्या हुआ था ना कि गवर्नमेंट का या बा, बाहर लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो एक्शन नहीं ले रहे हो कब गिरफ्तार करोगे कब गिरफ्तार करोगे तो ऐसे जो बहुत फेमस ज्यादा ज्यादा फेमस केस होते हैं ना तब पुलिस पे बहुत दबाव पड़ता है कि आप जल्दी जल्दी से अब ट्वेंटी जवान मर गए तो ये कोई मतलब इजी बात नहीं है ना बहुत बहुत बुरी बात है बहुत मतलब ये हुआ तो तब क्या हुआ ना कि पुलिस लोगों के भी बहुत बर्डन आया होगा कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो कैसा करोगे क्या होगा तो जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल लोगों को गिरफ्तार कर दिया दे, देखाने के लिए कि भाई भाई देखो हमने एक दिन में दो दिन में पूरे लोगों को गिरफ्तार कर दिया जो माओविस्ट को या नक्सलाइट को मानते हैं ठीक है थीके? तो उन्होंने मतलब राउंड अप जल्दी जल्दी ये केस निपटा दिया और उनपे लॉ लगा दिया ठीक है द क्लियरेस्ट वे टू डिफेक्ट द इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह जो हम माविस uh, को विद्रोह कर अगर डिफेक्ट देखते हैं एक डिफेक्ट की तरह और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन वॉयलेंस और किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को जो वॉयलेंस पे है एंड मोटिवेटेड बाय द डिसेंचमेंट डिसेंचमेंट मतलब हिंदी में इसको मोहभंग कहते हैं लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट मतलब एक हमें निराशा होती है विद द स्टेट स्टेट के लिए is uphold the rule of law and to win support among the people who the insurgent claim to be a fighting for फोल्ड द लॉ मतलब आप इसको पकड़ रहे हो रू uh, रूल को पकड़ रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो जीत रहे हो उन लोगों को जो uh, विद्रोही को मतलब फॉलो करते क्लेम करते फाइटिंग के लिए लड़ते उनको आप मतलब उनपे वो लॉ लगा रहे हो ठीक है उनको सपोर्ट कर रहे हो लेकिन उनपे लॉ भी लगा रहे हो विदाउट द पॉपुलर सपोर्ट इस uh, कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं था इंसर्जेंसी आर बाउंड टू फेल अब जो विद्रोही हुआ वो फेल हो गए गया स्पेसिफिकलीवर लाया गया के लिए, those, आ, जो हमें इंडियन स्टेट को इंडियन स्टेट ने क्या किया लाया बहुत मतलब ये लॉ तो लाया लोगों के लिए किया लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ ना कि माविस मूवमेंट वो जो हो गए ना अंडरपेन हो गए मतलब अंदर चली गई ठीक है उन्होंने कहा कि हम चीत गए वो उनके लिए तो वो चली गए मतलब मूवमेंट तो चल ही रहा है और गवर्नमेंट ने क्या क्या जल्दी से वो फोर्स भी लगा दिया ठीक है तो ये एक निराशा हो गई इंडियन गवर्नमेंट के लिए बियॉन्ड हार्पिंग ऑन फैक्टर यहाँ पे मैंने एक का मतलब लिखा नहीं सॉरी इसका मतलब टुकड़ा होता है एक का मतलब छोटा टुकड़ा पीस ठीक है बियॉन्ड द हार्पिंग हार्पिंग मतलब एक चीज के लिए हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं बात कर रहे हैं इसका होता है ठीक है बियॉन्ड द हार्पिंग ऑन फैक्टर रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइवलीहुड इन क्राइसिस एंड इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी द माओस्ट आल्सो यूज द टेक्टिकल वॉयेंस दैट इन्वाइट स्टेट रिप्रेशन एंड सर्वर देयर आर ऑफ क्वेश्चनिंग द दिजिटिमेसी ऑफ द इंडियन स्टेट अगर हम बहुत ज्यादा बात भी करें फैक्टर जो रिलेटेड होते हैं पावर्टी से हम बहुत ज्यादा किसी फैक्टर के लिए बात करें जैसे पावर्टी होगी इंडिया में बहुत ज्यादा बात करते हैं ना पावर्टी मतलब गरीब बहुत लोग हैं ठीक है लाइवलीहुड मतलब हमें एक लाइवलीहुड मिलना चाहिए मतलब हमें अपने जीने के लिए कुछ करनी चाहिए ठीक है इन क्राइसिस ये क्राइसिस में होता है एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया में क्या होता ना कि आ, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है ठीक है बहुत सभी लोग रिच नहीं और सभी लोग गरीब नहीं ठीक है इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी है मतलब कोई अमीर है तो कोई गरीब है ठीक है तो ये बोल रहे कि आप सोच भी रहे हो ना कि पॉवर्टी लाइवलीव और जो इकोनॉमिक इनएक्टिविटी है द तो माविस आल्सो यूज टेक्टिकल वॉयलेंस माविज इसमें क्या करते हैं टेक्टिकली मतलब इसमें वॉयलेंस को लेके आते हो ठीक है माविस वही एक... लोग बोलते हैं मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि वही लोग उसको फॉलो करते मतलब किनका किन के किनके लिए जैसे अगर कोई भी किसी को फॉलो करेंगे क्यों करें अगर उनको न्याय नहीं मिला मैंने स्टार्टिंग में बोला अगर कोई लोग कहते हैं कि मुझे न्याय नहीं मिला आ, मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे साथ ऐसा हुआ है तो माओ तो बोल ही रहे ना कि बंदूक उठाओ अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा है तो तुम्हें बंदूक उठानी पड़ेगी थी तो कौन लोग बनते हैं माओविस्ट को कौन लोग फॉलो करते हैं जो गरीब होते हैं जिनके पास लाइवलीहुड नहीं होती इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है तो इस वायलेंस के साथ माओविस्ट यूज होते हैं स्टेट की, uh, मतलब की वजह से दबाए जाते हैं एंड सर्व दे स्टेट और ये क्वेश्चन उठाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के की ये मतलब पर्पज ली हो रहे आप, आप हमारे साथ कुछ न्याय नहीं कर रहे हो तो हम ये रास्ता चुनेंगे ठीक है बाय टाइप कास्टिंग द ट्राइबल पीपल अगर हम ट्राइबल एक टाइप देखेंगे ट्राइबल लोगों का एंड डिसअफेक्शन विद द इंसर्जेंसी वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है मतलब कॉन्फ्लिक्टिसीडन उनके पास कुछ आ, उनके उनके मन में कुछ डिफरेंस रहते हैं गवर्नमेंट को लेके एक आ, मतलब गुस्सा रहता है एंड टेकिंग द ड्यूबियस रूट ऑफ मॉस इन इनकारॉलो इन सेट बैक टू द सिक्योरिटी फोर्स और ये जो ड्यूबियस uh, मतलब, uh, रूट हुआ है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी प्रोपोगंटा दैट इम्फोसाइज दट डीज आर जस्ट कैरेक्टर रिफ्रेसिव स्टेट दैट इज बियॉन्ड रिफॉर्म आप जो mask, uh, मतलब, that that cover, ये लॉ इन्फोर्समेंट लगा है ये जो लॉ है एजेंसी के लिए ये सिर्फ खत्म कर रहा है ये देखा रहा है कि आप एक टुकड़ों में मा, माओ माओइस मतलब आप जो फॉलो कर रहे हो माओइस को वो टुकड़ों में फॉलो कर रहे हो और जोर दे रहे हो ऐसे मतलब आ, स्टेट में जोर दे रहे हो अलग बता रहे हो कि आपको इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए ठीक है माओस्ट के लोगों को आपको अच्छे से बात करनी चाहिए रिफॉर्म लाना चाहिए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहे हैं ठीक है बिसाइड द पर्पज यू सोशो इकोनॉमिक एक्सचेंट अगर हम ए सोशो इकोनॉमिक एक्शन देखें लॉ एनफोर्समेंट मस्ट री एनफोर्स स्टेप रिलेटेड टू द टू द क्रिटिक ऑफ द इंडियन स्टेट एंड टू रिटेन द द ट्राइबल सिटीजन अगर ये लॉ मतलब लॉ जो लग रहा है मतलब फिर से लगाया जा रहा है, ये, मतलब ये, मतलब ये रिलेटेड कर रहा है इंडियन स्टेट को कर रहा है ठीक है एंड लिटन रेजिट अमंग ट्राइबल सिटीजन और आप ये जो देख रहे हो लॉ देख रहे हो क्रिटिक देख रहे हो एक बार इसको ट्राइबल सिटीजन के साथ आप बात करते हो मतलब आप डायरेक्टली उन पर लॉ मत लगाओ उनका क्रिटिक देखिए बात करिए और इस इसपे कुछ विचार कीजिए ठीक है so, सो आज का ये रहा हमारा फर्स्ट एडिटोरियल बहुत मैंने पहले बोला था कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है सेकंड एडिटोरियल हम जल्दी खत्म कर देंगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था ठीक है इसमें दो तीन लॉ की बात हुई है National investigation, uh, law, Unlawful Prevention Act, जो 1967, आ, में में आया था उसके लिए, उसके लिए बहुत सारे हुआ हुआ है 19, अभी 2019 में बेसिकली अमेंड हुआ है अभी साल पहले तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछिए मैं आपको एक मिनट दे रही हूँ नहीं तो हम हमारे सेकंड एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं पूछना है किसी को नो no? बढ़े सेकंड एडिटोरियल की तरफ चलो ठीक है बोलो भाई क्रिकेट किसको पसंद है हमारा जो सेकंड एडिटोरियल है वो क्रिकेट पे किसको पसंद है सेकंड एडिटोरियल सो गए बहुत बोरिंग था क्या पहला एडिटोरियल नो no रिस्पॉन्स सो गए सब अच्छा ठीक है लव को पसंद है चलो लव फिर पता होगा इंडिया जीत गई कल्याणी को भी पसंद है तो ठीक है सबको पता होगा कि इंडिया थर्ड वनडे विज्ञानी को भी पसंद है और वनडे और टी ट्वेंटी जीती है इंग्लैंड में ठीक है तो उसी के लिए ये हाँ चलो सबको तो, तो उसी को लेके ये थोड़ा आ, एडिटोरियल है इंडिया की जीत को लेके इंडिया की तारीफ कर रहे सब ठीक है तो इंजुरी टाइम मतलब इंजुरी टाइम इंजुरी हुई थी इंडिया के प्लेयर को तो इंजुरी टाइम ठीक है इंडिया वन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट इन क्रिकेट इंडिया ने बहुत सारे शॉर्टेस्ट मतलब छोटी छोटी जो क्रिकेट्स होती है वो जीती है वंस अगेन इन बेंच स्ट्रेंथ अब ये दिखा रहा है रिवेल मतलब शो कर रहा है दिखा रहा है ये हमको एक बार फिर से दिखा रहा है कि ये बेंच स्ट्रेंथ है मतलब सब टीम की मतलब सब जो टीम में लोग है ग्यारह लोगों की वो उनकी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं मतलब स्ट्रॉन्ग परंपना दिखा रहा है कि कितना स्ट्रांग है इंडिया की क्रिकेट ठीक है अब आ, इंडिया कहाँ पे गई थी इंग्लैंड में गई थी यूके यूके में खेलने के लिए तो आपको मैं थोड़ा इसका मैप दिखा देती हूँ और इसको बता देती हूँ ठीक है एक मिनट ये रहा आपका ये रहा आपका यूके ठीक है और ये रहा आपका यूरोप सबको पता होगा कि इंग्लैंड यूके यूरोप में है कहाँ पे आता है वेस्ट यूरोप में ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम ओके तो इस, की एक और खासियत है यूनाइटेड किंगडम चार देशों को मिलकर बनाया जाता है ठीक है चार देशों को मिलके यूनाइटेड किंगडम बना जाता है किसको पता होगा चलो मैं बता देती हूँ यूनाइटेड किंगडम में चार देश आते हैं जहाँ पे एक इंग्लैंड होता है स्कॉटलैंड होता है वेल्स होता है और नादर ए, आ, आयरलैंड होता है आयरलैंड पूरी कंट्री ने Northern side जो होती है उसको United Kingdom बोलती है. है, है? उसको बोलती अब मैंने पहले editorial में थोड़ा का का. मतलब नाम लिया था था कि Britain के पास था हमारा हिस्सा India, China का। तो Britain, तीन को बोला जाता ठीक इंग्लैंड और वेल्स इन तीन कंट्री को ब्रिटेन बोलता है इंडिया पे जो मतलब राज किया था तो ब्रिटेन ने किया था और यूनाइटेड किंगडम चार कंट्रीज को बोला जाता है ठीक है तो इसमें ये बात है ठीक है तो चलिए आपका थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड बिगेन इन जुलाई कंप्रेसिंग अ वन ऑफ टेस्ट थ्री टी ट्वेंटी एंड थ्री वन डे बिटवीन द जुलाई वन एंड सेवनटीन मैंने हमारा पिछली बार भी एक एडिटोरियल आया था जब इंडिया टी ट्वेंटी के बारे में बताया था कि पिछले पिछले साल वो टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो टेस्ट सीरीज फिर इंग्लैंड में हुई जहां पे इंडिया हार गई थी मतलब लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी इंडिया के पास ये सब आ जाएगा लेकिन क्या हुआ ना कि इंडिया हार गई थी ठीक है तो ये बोल रहा है कि इंडिया की आ, वन डे टू ट्वेंटी और एक जो मैच रही गई थी सॉरी टेस्ट की तो इंडिया वो खेलने के लिए गया था द uh, uh, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड टू जीरो इंटरनेशनल बायोलेटरल सीरीज बायोलेटरल मतलब दो लोगों के बीच में ठीक है दो लोगों के बीच की ये सीरीज थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच की ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फ्यूचर टूर प्रोग्राम और ये किसका पार्ट था फ्यूचर टूर प्रोग्राम का पार्ट था अनाउंस बाय द किसने अनाउंस किया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बापरे दो हजार नाइन में इसको अनाउंस कर दिया था तब कब से इनका प्लान रहता है ठीक है चलिए तो एडिटोरियल क्या बोल रहे हैं इंडिया क्रिकेट डोनिंग डोनिंग मतलब कुछ पहन लेना वेयर कर लेना ठीक है टू तो पुट ऑन कुछ वेयर कर लेना इंडियन क्रिकेट डोनिंग वाइट फेल इन इंग्लैंड बट इन द ब्लू शेड रोहित शर्मा मेन फाउंड सक्सेस इन द सब्सक्ट लिमिटेड ओवर जॉर्ज ठीक है जब इंडिया क्रिकेट डोनी, मतलब जब इंडिया ने व्हाइट कपड़े पहने थे आपको सबको पता होगा टेस्ट सीरीज में व्हाइट कपड़े पहनते हैं दोनों टीम वाइट कपड़े ठीक है जब इंडिया ने वाइट कपड़े मतलब व्हाइट पहनावा किया था तब वो फेल हो गई सबको पता है वो सीरीज हार गई ठीक है वो फेल हो गई इंग्लैंड में लेकिन जब वो अपने फॉर्म में इन द ब्लू शर्ट अब इंडिया जब खेलते तो ब्लू ब्लू कपड़े होते हैं ना उनके तो मतलब ब्लू स्काई उसमें वो ब्लू में सब कलर आ गए पहले स्काई था थोड़ा चेंज होता रहता है ठीक है तो जब उन्होंने अपना ब्लू अवतर लिया अपने ब्लू कपड़े पहने तो रोहित शर्मा की जो मेन है मतलब रोहित शर्मा की जो फॉर्म टीम है रोहित शर्मा तो कैप्टन है ऑब्वियसली तो रोहित शर्मा की जो टीम है उन्होंने सक्सेस हासिल किया मतलब वो जीत गए इन द लिमिटेड ओवर जॉट मतलब एक टीम क्रिकेट मतलब कुछ भी जीतना या ठीक है कोई स्पोर्ट का गेम होता है उसको तो लिमिटेड ओवर में मतलब बहुत कम ओवर में उन्होंने वो मैच जीत ली ठीक ठीक है fee, at, uh, है आफ्टर द द लॉन्ग डिले फिफ्थ टेस्ट एंडेड इन डिफीट एट जैसे मैंने बोला था कि टेस्ट सीरीज जो थी वो एक टेस्ट सीरीज उनकी रह गई थी वो पिछले साल शुरू हुई थी तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डिले मतलब बहुत टाइम लेट होने के बाद वो टेस्ट एंड हुई भारत के हार के साथ कहां पे कहास्टन में ठीक है द टी ट्वेंटी टीम इंडिया की मोर एट होम विद इन द एवरेज वर्जन विद इन द एवरेज वर्जन ठीक है लेकिन uh, क्या हुआ ना टी ट्वेंटी और ओडीए सीरीज टेस्ट सीरीज के बाद ही थी रिविल स्क्वाड उन्होंने शो किया squad, टीम ने मोर एट होम मतलब उनको वो टीम उनकी जो मैच लगी वो घर जैसी लगी विद इन द एवरेज वर्जन एवरेज मतलब आ, मतलब उनको कुछ बता रहा था कि वर्जन मतलब बहुत कम समय में उनको वो घर जैसे लग रहा था और बहुत कम इसमें उन्होंने खत्म कर ली ठीक है द मेन इन ब्लू अब एक्चुअली मेन इन ब्लू नहीं किया ये एक और ये क्या बोलते हैं इसको हाँ फ्रेज है मेन इन ब्लू एक फ्रेज है बेसिकली ये बोला जाता है पुलिस मैन के लिए लेकिन यहाँ पे बोला है इंडिया के टीम के लिए ठीक है द मेन इन ब्लू अब जो इंडिया की टीम है उन्होंने एक मतलब सेट मतलब किस मार्जिन से जीता है दो एक से जीती है वो मैच ठीक है शोविंग अ गेम अवेयरनेस दैट वॉज मिसिंग इन द लोन टेस्ट अब ये जो दिखा रहा है कि गेम अवेयरनेस दिखा रहा है वो लोन टेस्ट में मतलब जो टेस्ट सीरीज थी उसमें वो मिस कर रहा था मतलब कम दिखाया था ठीक है हार्दिक पांड्या ऑल राउंड शो एट साउथ मैनस रोजबॉल हेल्प इंडिया विन बाय 50 रन इन द ओपनिंग टी20 एंड सिमिंगली अ विनिंग टेम्पलेट वाज बीइंग सेट हार्दिक पांड्या एक ऑल राउंड अगर हम पूरा देखा है तो हार्दिक पांड्या दिखाता है कि साउथ मैनस वहां पे जो ये रोजबॉल वो क्रिकेट इंग्लैंड के क्रिकेटर का नाम है ठीक राउत बोल रोज बोल में मतलब जो हार्दिक पांडे दिखा रहा है उन्होंने इंडिया को जीतने पचास रन से जीतने के लिए मदद की है इन द ओपनिंग मतलब पहली मैच जो थी टी में एंड वो वॉज ब्रिंग सेट और टेम्पलेट मतलब उनके सामने एक उन्होंने सेट कर दिया एक विनिंग का सेट कर दिया इंग्लैंड के सामने एक सेट आ, अपनी विनिंग दिखा दी ठीक है द नेक्स्ट क्लैश वॉज पोक टू विथ बेटर रविंद्र जडेजा एंड सीमर भुवनेश्वर कुमार ब्रूसिंग बु, जॉर्ज ब्रूटल्स बटलर मेन अब को मतलब ठीक है तो हाँ, अगर हम देखेंगे मैच तो रविंद्र जडेजा बैटर थे मतलब रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की और सिमर मतलब बॉलिंग भुवनेश कुमार ने मतलब अच्छी की अगेंस्ट किसके इंजॉय करते हुए मतलब किसके लोगों को हराते हुए जो बटलर को जो इंग्लैंड के कैप्टन इंग्लैंड के ये थे प्लेयर थे एंड इवन इफ द थर्ड मैच अगर हम तीसरी मैच देखे और मेयर एकेडमिक इंटरेस्ट सिंस दीरिज वॉज ऑलरेडी सील मतलब अः एक बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया इंडिया के टीम ने तीसरे मैच में क्योंकि उनको पता है की Uh, uh, हम ऑलरेडी जीत गए थे मतलब तीन uh, तीन मैच की सीरीज थी उसमें दो मैचेस इंडिया ने जीत लिया था उन, तो उन्होंने क्या किया कि तीसरे मैच में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा सीरीज वॉज ऑलरेडी सिल्ड क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने वो मैच तो मतलब जीत ली है तो इसकी वजह से वो हार गए वोज लॉस थर्ड मैच वो हार गए देयर वॉज मच ऑफ सेवर फॉर द सेवर मतलब इंजॉयमेंट होता है एक एंटरटेनमेंट होता है ठीक है देयर वाज़ अ मच सो सेवर फॉर द इंडियन फैंस एज अ सूर्य कुमार यादव फिफ्टी फाइव बॉल वन वन सेवन वॉज रेटेड एज अ क्लासिक लेकिन क्या हुआ ना एक बहुत इंजॉयमेंट एंटरटेन मतलब बहुत अच्छी बात रही इंडिया ने, इंडिया ने के फैंस के लिए अब हम तो इंडिया फैंस ही हुए ना तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात रही कि थर्ड मैच में भी मतलब इंडिया ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पता था इंडिया को कि हम मैच जीत गए हैं लेकिन फिर भी इंडिया के मतलब बहुत अच्छी बात रही कि सूर्य कुमार यादव ने पचास बालों में सॉरी पचपन बालों में एक रन बनाए ठीक है वन वन सेवन वन हंड्रेड सेवनटी बनाए जो कि एक बहुत क्लासिक बहुत, जो कि एक बहुत अच्छी बात है ठीक है मतलब बहुत कम बालों में आ, अच्छे रन बनाए सेंचुरी बनाए ठीक है दो द सीरीज इंडिया फाउंड न्यू हीरो अब जबकि इंडिया ने न्यू हीरो दिखा है ठीक है ये न, न्यू जैसे हम देखते हैं कि हमारे मतलब हीरोज कौन होते जैसे कोहली रोहित शर्मा ये सब हमें पता है मतलब बहुत बो, हम बोलते कि मैच विनर होते लोग तो इंडिया ने इस सीरीज में न्यू हीरो दिखा है मतलब न्यू हीरो बनाया ठीक है इवन इफ देस्टेब्लिश स्टार लाइक कीपर रोहित और विराट कोहली वे आर नॉट एट देयर डोमिनेरिंग बेस्ट मतलब जहाँ की हमें पता है हमारे इंडिया के स्टार कौन है रोहित और विराट कोहली तो वो वो उतने डोमिनेंट नहीं रहे लेकिन जो हमेशा डोमिनेंट होते सॉरी जो हमेशा डोमिनेंट होते कि हम सब इनकी मैच देखने के लिए इंटरेस्ट कर लेते हैं तो ये उतने डोमिनेंट नहीं रहे और हमने एक न्यू मतलब न्यू हीरो को देखा मतलब जो लोगों ने हमें ये सीरीज जीता है ठीक है द इंडिया कुल टाइड ओवर टॉइड ओवर भी एक uh, एक फ्रेज की तरह होता है जो हेल्प करते हैं लोगों तो को जब डिफिकल्टीज uh, पीरियड आते हैं कुछ स्पेशली स्पेशली ये फाइनेंस के लिए होता है जब उथल फुथल होती है बेसिक uh, uh, खराब समय चल रहा होता है फाइनेंस में तब ये यूज होता है टाइड uh, हो रही है फ्रेज या लेकिन यहाँ पे भी यूज हुई है ठीक है That that the the Indian cool over such blemish show that the unit bench strength was adequate and could, uh, could tackle any crisis. अब हमें क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे utal पुतल रहा ठीक है Tide over तो रहा लेकिन ये दिखाता है हमें ब्लेमिश दिखा ये दिखा रहा है हमें हम दिखा ब्लेम दिखा रहा है कि हमारे जो यूनिट बेंच ट्रेंड है मतलब जो हमारी टीम है पूरी वो मतलब बहुत ज्यादा है है उचित है कि हम किसी भी क्राइसिस से मतलब कोई भी अगर मैच आई हमारे सामने तो हम उसके आगे जा सकते हैं हम जीत सकते हैं तो ये यूनिटी दिखा रहा है इंडिया की टीम ठीक है इन अ क्रिकेटिंग ईयर दैट इज हर्टलिंग टूवर्ड द आईसीआईसी ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया द अक्टूबर एंड नोवेंबर द लेटेस्ट ट्रिम्प इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मर अगुर आ, अब ये बोल रहा है कि आ, क्रिकेट प्लेयर में अभी ऐसी टी ट्वेंटी आने वाली है, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है अक्टूबर और नवंबर में तो ये जीत बहुत जरूरी थी और ये जीत ये भी दिखा रही है कि अगर इंडिया ऐसे ही खेलती रहेगी तो हम हो सकता है कि आ, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है वो भी जीत जाएंगे रोहित मेन हैड रॉकलिंग स्टार्ट रॉकलिंग मतलब एक प्रकार की मस्ती मस्ती करते हैं ना हम इंजॉय करते हैं उसको रोहित रोहित मेन हैड अ रॉकलिंग स्टार मतलब के इंग्लैंड एट लंडन होल अब जैसे मैंने पोल, पहले एडिटोरियल में एम्बुशिंग वर्ड यूज हुआ था जो घात लगाकर हमला करते तो यहाँ पे यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा अलग चेंज किया है रोहित मेन हैंड मतलब टेस्ट सीरीज में उसने उन्होंने बहुत मस्त काम किया है जीती है लेकिन उनके पास प्लेयर है बुमराह जैसे अच्छे प्लेयर है बॉलर है जिन्होंने नाइनटीन मतलब नाइनटीन विकेट्स ली है इंग्लैंड के लोगों को मतलब अम्म हराया है ठीक है लंडन हॉल में एम्बुलिश मतलब एक अच्छे से देख के हरा उनको अच्छी बॉलिंग करके हराया है ठीक है ओपनर रोहित एंड शिखर धवन अब ओपनर तो आपको पता होगा मैच पता है तो जो स्टार्टिंग में खेलते हैं शिखर धवन और रोहित आए दे रिमेन अनबिटन टू सिक्योर अ अम्प्रेनसिव विक्ट्री मतलब उन्होंने बहुत अच्छी विक्ट्री दिखाई अनबिटन मतलब मात दे, मात देती हुए लोगों को इंग्लैंड की टीम को मात देते हुए बहुत अच्छी विक्ट्री जीत दिखाई इवन इफ द एक्सटेंडेड लंडन सोल्जर सोल्जर मतलब एक स्टे होता है ठीक है जो एक्सटेंडेड uh, लंडन मतलब सो एज नेक्स्ट क्लैश एज अ लॉर्ड इवेंट डाउन वंस रिस्ट ट्रॉपिक सिक्स विकेट इंडिया रिमेन द फेवरेट टू क्लिंच दीरीज ठीक है टू क्लिंच लंडन में तो uh, जो स्टे uh, आया था वो जो लंडन में मैच हुई टर्नस ओवर एज द नेक्स्ट क्लैश मतलब so, मतलब वो बुरी बात हुई इंडिया के साथ मतलब इंडिया टेस्ट uh, सीरीज आज गए ना लेकिन हम अगर uh, अगला मोमेंट देखे तो हम मतलब इंडिया की चली गई थी लॉर्ड्स इवेंट टोपले मतलब रिस टोपलेम ने सिक्स विकेट ली ली थी इंडिया की लंडन में जो डाउन हिल कम कमी हो गई थी इंडिया में इंडिया रिमेन द फेवरेट टू तो क्लिंच तो सीरीज लेकिन इंडिया ने इस सीरीज को जिता जिता के दिखा दिया कि इंडिया किसी से कम नहीं है मतलब हो, हो, इंडिया ने एक मैच तो हारी लेकिन बाकी की मैच भी इंडिया ने जीती है द बैंड वैगन बैंड वेगन मतलब एक एक्शन की तरह यूज किया पे बैंड वेगन दैट रोल इन टू द मैंचेस्टर विथ इट्स क्यूरी मिल एंड ओवर ब्लेमिंग सब कॉन्टिनेंट फेवर एंड इंडिया फेल्ड एट होम मतलब ये बहुत जो चल रहा था मैंटर्न में मैंस्टर के जीत के साथ इंडिया ने बहुत ज्यादा अपना अप, अपना फेवर दिखाया कि इंडिया घर की तरह फेल फील कर रहा था वहां पे और उन्होंने वो मैच जीत ली इंडिया को पता था कि वो मतलब रहा रहा था कि इंडिया इंडिया फील कर रहा है घर की तरह और वो मैच जीत जाएगा। at the Lord. ये हिस्ट्री दिखा रहा है हमको एक हिस्ट्री का क्ल्यू दिया रहा है क्योंकि पता होगा आपको कि एक मैच हुई थी मैं छोटी थी तब मतलब देखी थी लेकिन वो मैच आई थिंक हाँ इं, इंग्लैंड के आगे दिखाएगा ये दिखाता है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है ठीक है कैसे अभी एक जो नेट एक सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ नेटवेस्ट नेटवेस्ट ट्रिम मतलब जीतना तो उसकी 20 एनिवर्सरी थी मतलब 20 साल हो गए उस जीत के लिए इंडिया वो जीती थी तो सबको पता था कि मतलब हिस्ट्री वहां रिपीट होगी मतलब वो जो एक मैच थी वो मैच इंडिया ऐसा लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी लेकिन इंडिया ने जीती थी तो हमें पता ही था कि इंडिया ये भी मैच जीतेगी क्योंकि ट्वेंटी एनिवर्सरी थी इंडिया की ठीक है नॉस्ट्रेलिजिया नॉस्ट्रेलिजिया मतलब पुरानी यादें ठीक है नॉस्ट्रेलिजिया अर्शर्ड इन इमेज ऑफ मोहम्मद कैप युवराज एक मिनट नॉस्ट्रेलिया जहां अगर हम पुरानी इमेज देखे मोहम्मद क्या फ्यूरा सिंह सैंड और सौरव गांगुली वेविंग हिज शर्ट लाइक अ मैन पजेस हाँ यही मैच की बात कर रही थी ये मैच तो मैंने भी देखी थी मतलब इंडिया में आई थिंक इंडिया वो मैच खेल रही थी फाइनल मैच थी तब आ, सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सेवांग और सौरव गांगुली कैप्टन थे तो क्या हुआ था ना जो हमारी इंग्लैंड की टीम ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे आई थिंक मेरे को कुछ याद है क्योंकि वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मैच थी 300 के ऊपर इंडिया ने इंग्लैंड ने रन बनाए थे और नेक्स्ट बैटिंग इंडिया इंडिया की थी सेकंड बैटिंग तो स्टार्टिंग के जो चार प्लेयर थे आई थिंक वो हंड्रेड भी नहीं बना हमारे हंड्रेड स्कोर भी नहीं थे तो चले गए थे मतलब कौन था उसमें सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सेवांग गांगुली और एक और था पता नहीं तो ये लोग चले गए थे मुझे याद है हम, हमने मैच देखना बंद किया था क्योंकि अभी तो लग रहा था कि इंडिया हारेगी तो क्या देखना लेकिन तब मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह नए थे मोहम्मद कैफ बहुत नए थे युवराज सिंह तो जानते थे तो इन लोगों ने वो मैच जिताई थी मतलब ये जब दोनों खेलने आए थे तो इंडिया की एक भी विकेट नहीं गई शायद एंड में मोहम्मद कैफ या युवराज आउट हुए थे लेकिन सेंचुरी मारे थे उन लोगों ने तो वो मैच ऐसी थी मतलब हम हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया जीतेगी लेकिन इंडिया ने वो मैच जीती थी और जीतने के बाद सौरव गांगुली ने जो आ, वो बैठते है ना जो उनका स्पेशल होता है टीम्स के लिए एक ऊपर होता है ना उनका रूम होता है तो वहां पे सौरव गांगुली ने अपना शर्ट उतारा था और ऐसे ऐसे हिलाया था ठीक है तो वो मैच को वो बता रहे कि उस मैच को जब वो खेला था तो 20 साल कंप्लीट हुए थे तो ये आ, ये जो मैच जीती थी तो उसको वो कंपेयर कर रहे इस मैच से ठीक है आउट इन द मिडल ड्यूरिंग अ टफ चेस हाँ आ, हमारा जो मिडल मिडल जब हम मिडल में थे बीच में थे मैच के वो हमारा टफ टाइम था सेंचुरी ऋषभ पंत एंड पंडा रिप्लिक रिप्लिकेटेड व्हाट केफ एंड यूराज डिड टू डिकेट अगो तो सेंचुरी जो ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाई और पंडा वो रिप्लीकेट मतलब दिखा रहे जब केफ और युवराज ने टू अगेट मतलब मतलब साल साल पहले मतलब 20 साल पहले जो किया था उन लोगों ने जो मैच जिताई थी उसको वो दिखा रहे हैं एंड इंडिया कुल लिव ओल्ड ब्लाइटी ओल्ड ब्लाइटी यहाँ पे इंग्लैंड के लिए यूज किया है ठीक है ब्लाइटी का मतलब इंग्लैंड के लिए ऑन अ विनिंग नोट और दिखाता है कि इंडिया ने छोड़ा नहीं इंग्लैंड को और जीत ली वो टीम ठीक है बट बीनर द चैंपियन एंड स्माइल वर इज लर्क लर्क मतलब um, एक छुपा हुआ uh, छुपा हुआ ये होता है लर्क को एम्बुश भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो बट एक छुपा हुआ वो शैम्पेन उन्होंने निकाली वो स्माइल की और स्माइल मतलब शैम्पेन पी स्माइल करके वो मतलब उनका जो चु, आ, वरी वरी लुक था वो छुपा छुपा ले गया चैंपियन और स्माइल कोहली लुक अप पेल शाडो कोहली की मतलब वो उतना अच्छा देख दिख नहीं रहे थे मतलब नर्वस दिख रहे थे एंड इंजुरी कोहली जो मतलब मुरझाए हुए दिखा रहे थे और उनकी इंजुरी थी वो शायद हो सकता है कि टीम्स की कंपोजिशन टीम का जो ये है उसमें कुछ अफेक्ट करे ठीक है अः के एल राहुल मिस द टूर ड्यू टू द सर्जरी अब के राहुल जो अच्छे प्लेयर है हमारे उन्होंने भी ये सीरीज मिस की क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी एंड इवन एज द इंडियन स्क्वाड और इंडिया की जो टीम है स्क्वाड टीम के लिए यूज किया है गेट रेडी टू द टूर वेस्ट इंडीज अब इंडिया की नेक्स्ट मैच किसके साथ है अभी रेडी है वो वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के लिए ठीक है गेट इन अ फिट कोर ग्रुप टूगेदर इन टाइम फॉर ट्रिप डाउन अंडर विल रिमेन अ कॉन्स्टेंट वरी फॉर द सिलेक्टर अगर uh, टीम uh, एक साथ अगर इंजर्ड रही uh, उनको प्रॉब्लम रहा तो ये मतलब इंडिया के लिए आ, सिलेक्टर के लिए और इंडिया के लिए बुरी बात रहेगी कि कॉन्स्टेंटली मतलब इंजुरी हो रही इंडिया में इसलिए पहले आ, दिया कि सब इंजुरी टाइम में है लोग अभी ठीक है तो ये हमारा सेकंड एडिटोरियल था मुझे नहीं लगता सेकंड एडिटोरियल इंडिया को पता है मतलब जीते है यहाँ पे दो तीन बात अच्छी है आ, एक अगर क्रिकेट के हिसाब से आप देखोगे सॉरी क्रिकेट के हिसाब से अगर जो आ, आ, मतलब मैचेस के लिए प्ले प्ले में जो मतलब कोई भी ये होता है ना फुटबॉल गेमिंग के लिए जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ये हो सकता है कि ये मतलब आ, उस मैच के लिए इतना इंडिया जीती है उतना नहीं है लेकिन ये अपना सेकंड लेकिन फर्स्ट एडिटोरियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट था तो किसी को कुछ पूछना है फर्स्ट एडिटोरियल सेकेंड एडिटोरियल को लेके या फिर समझ गया सभी को नहीं पूछना किसी को बाय बाय करें कुछ पूछना है नहीं तो चलिए फिर थैंक यू क्लियर है मैम चलो विज्ञानी को क्लियर है किसी को कुछ पूछना ही है बाय लव कुछ चलिए बाय बाय फिर थैंक यू विज्ञानी